गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक रोमन नंबर्स। ओके, आज आपका टॉपिक है रोमन नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम हिंदू अरेबिक नंबर्स भी बोलते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, इनका यूज क्यों हुआ। ठीक है बेटा, ये नंबर्स का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका यूज हम इंटरनेशनल में करते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर हम सिंबल्स के थ्रू किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां हर जगह का यानी ऑल कंट्री का मेंबर इसे पहचान जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है, 5 में हमने वी लिख दिया तो ऑल कंट्री का बंदा समझ जाएगा ये 5 है, ठीक, क्योंकि ये 5 जो हम यहाँ लिखे 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, ठीक, ये जरूरी नहीं कि चाइना का बंदा समझ पाए, ठीक है, इसलिए हमें इनका यूज करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट जो सिंबल्स है हमारे वो ये सिंबल्स है, ठीक है, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इनमें ध्यान देते हैं। फर्स्ट यानी कि जो 1 है, 1 को सिंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको ठीक है बेटा, इतना आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल आई से, 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से और 50 को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन सबको एक हमने नेम दिया है जिनको याद कर सके सिंपल में। आई को इंटेंसली 5, ठीक है, 5 यानी वी, वी को विटामिन, 10 को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है, 50 को एल, एल का लव्स, सी का कैट, डी का डियर, एम का माइक। तो हम ऐसे नहीं याद करेंगे, हम ऐसे लर्न करेंगे, ऐसे माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इन वेन इंटेंसली। सभी को समझ में आ रहा है, याद करने का एक फंडा है, एक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक निकाली गई है, माय डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली। इतना सभी को आ गया समझ में, ठीक है, सभी लोगों को इतना आ रहा है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बेटा डियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डियर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वीडियो में क्लियर नहीं आया तो ध्यान दे दीजिए, ये डियर लिखा हुआ है, ठीक है, माय डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन्स इंटेंसली। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं इनको फॉलो कैसे करते हैं। 1 को हमने आपको बताया था सिंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं और 10 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इतना तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने चार्ट के थ्रू, लेकिन अब इतना हमने रिप्रेजेंट, अब बाकी जो नंबर है इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा सिंबल का यूज करेंगे। देखिए, आई को मोर टाइम्स 3 times लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको 3 बार लिख सकते, डबल आई यानी 2 हो जाता है और ट्रिपल आई, ठीक है, 3, और इसको बोलते कैसे, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं। इतना समझ में आया। 5, 4 में हम 4 times आई नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, वी और दिस साइड यानी कि लेफ्ट साइड आई लिखेंगे। इससे ये भी समझ सकते हैं आप, वी में 1 आई कैंसिल हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि माइनस हो गया, कितना आ गया 4, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वी के नियरेस्ट है ना वो, तो इससे हम वी से रिप्रेजेंट किया, वी माइनस आई, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं, वी माइनस आई 4। ओके, क्योंकि 1 आई का मतलब क्या आ गया, 1 हो गया, यानी 5 में 1 माइनस हो गया तो 4 हो गया ना, ऐसा। अब यहां पर 8 तक हम आई कर, देखिए वी में 1 है दिस साइड यानी राइट साइड, अगर हम आई बढ़ाते हैं तो क्या होता है, राइट साइड एड होता है, यानी कि 5 में 1 आई एड हो गया, 6 हो गया, वैसा ही यहाँ पे, ठीक है, डबल आई कर दिया। इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ 8 में भी कर दें, जैसा कि हमने बताया था आई को 3 times से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो अब यहाँ पे स्टॉप हो जाइए, वी
ट्रिपल आई, बस इतना एट हो गया, यानी फाइव और थ्री आई एड हो गया, यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फाइव वन सिक्स, सिक्स वन सेवन, सेवन वन एट। तो आप ये समझ में आ रहा है, इतना फंडा आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे नाइन में, नाइन किसके नियरेस्ट है, टेन के नियरेस्ट है, एक्स वन आई माइनस कर दो, कितना वन आई माइनस कर दे, कितना हो गया नाइन हो गया, समझे। लेफ्ट साइड में आई लिखा तो माइनस हो रहा है, अगर राइट साइड आई लिखते हैं तो क्या होता है, एड होता है। लेफ्ट साइड आपको मालूम ही है ना, दिस साइड इज लेफ्ट एंड दिस राइट, इतना समझ में आ रहा है, यानी इधर कोई नंबर लिख रहे हैं एड होगा, इधर कोई नंबर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट होगा। सभी लोगों को इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, अब आपको इतना तो आ गया बेटा मटेरियल, यानी आपने 1 से 10 तक रोमन नंबर सीख लिया, क्या सीख लिया, 1 टू 10 रोमन नंबर आप सीख लिए। अब इसके आगे कैसे लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, यही हम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। हाँ बच्चा लोग, ठीक है, अभी कि हमने आप लोग को 1 to 10 बता दिया, आप सीख गए बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखिए, आप जैसे 11 वाली लाइन लिखेंगे, 11 to 20, तो आप यहाँ करके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखिए 1 to सही है ना, हाँ देख लेना बेटा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखिए ये सब क्या है, 10 है, क्या है 10, 10 में 1 ऐड हुआ तभी तो 11 आया, तो हियर मैं रिप्रेजेंटेड दी, पहले 10 को रिप्रेजेंट कर लू, सब 10 एक्स लगा लू, लगा लिया, सब में 10 आ गया। अब देखिए 1 का क्या होता है, सिंगल आई, 2 का क्या होता है, डबल आई, देखिए ऐसे पहचान, 3 का ट्रिपल आई, यानी कि 10 + 3 13 हो गया ना आई, देखिए 5 का, 6 का, 17 का डबल आई, 18 का, 19 का एक्स आई, आई एक्स, ओके। यहाँ 10 था लेकिन 2 बार 10 ऐड कर देते हो गया 20 हो गया, 10 + 20 20, सभी को इतना समझ में आ गया। यहाँ कुछ हमने नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना किया, जो हमें 10 दिया गया 10 की जगह पे हमने x को लिख लिया, और फिर उसके बाद हमने 1, जैसा कि हमारे ये 1 to 10 नंबर दिए गए उनको वैसे ही नोट कर दिया, ठीक है। देखिए 1i, डबल आई, ट्रिपल आई, वी आई, यानी कि वी माइनस आई, वी वी प्लस आई, वी डबल, वी प्लस डबल आई, वी प्लस ट्रिपल आई, और x एक्स माइनस आई, एक्स माइनस आई, ओके डबल एक्स, ये आपको हो गया, ठीक। इतना सभी को समझ में आ रहा, ऐसा ही नोट करें। अब देखिए यहाँ पे डबल एक्स है ना, 20 है ना, अब ये जो 21 वाली लाइन आएगी हमारी, ये जो हमारी 21 वाली लाइन आएगी, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सभी को समझ में आ रहा है। 20 का क्या मतलब होता है, डबल, क्या होता है डबल एक्स होता है, तो सब तक हम क्या कर देंगे, डबल एक्स लिखते चले जाएंगे, क्या लिखते चले जाएंगे बेटा, डबल एक्स सप्तन लिखते चले जाएंगे। इतना सभी बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए वही 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम वैसे ही लिख दीजिए, देखिए 1 का 1 आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का v माइनस आई, 5 का v, v प्लस आई, और v डबल एक्स डबल आई, और v ट्रिपल आई, और v यहाँ पे v नहीं आएगा, यहाँ पे आई एक्स आएगा, ठीक है। ये 29 हो गया, अब यहाँ पे एक एक्स ऐड कर दे, कितना हो गया 30 हो गया। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 31 वाली लाइन, कौन सी 31 को, जो हमारी 40 लाइन है, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
ठीक, वन टू चेक कर लेंगे, मेन इम्पोर्टेंट ये है। अब देखें 30 कितना था, ट्रिपल एक्स था, लगा दिया। बस यहां नहीं लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अभी आपने चार डे में पढ़ा था 50 का क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ 40 क्या है, नियरेस्ट है ना 50, तो यहाँ पे 4 times x नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा l-x, यानी कि l हमारा 50 क्या होता है, l होता है, 40 लिखना है बेटा, तो क्या हो l x, इधर दिस साइड है ना, लेफ्ट साइड, यानी माइनस हो गया, यानी 50 में 10 माइनस हो गया, क्या हो गया, 10 माइनस हो गया, कितना आया, 40 आया ना। अब ये समझ में आ रहा है ये चीज आपको, इतनी आपको समझ में आ गई बेटा, शायद आपको दिखाई नहीं दिया है, तो चलो मैं इसको फिर से ऊपर नोट करके समझाता हूं आप सभी को, ठीक है? देखिए यहां पे देखते हैं, 50 होता है एल, होता है ना, अब 40 लिखना है, तो एल लेफ्ट साइड एक्स ले आइए, यानी 10 माइनस कर, ये कितना हो गया, 40 हो गया। क्यों हमने यहाँ पे एक्स एल का यूज किया, क्योंकि ये नियरेस्ट है 50 के, किसके नियरेस्ट है 50 के, इसलिए यहाँ पे हमने इसे यूज किया, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल माइनस एक्स, ये हमारा 40 हो गया। और जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे थे, वन का सिंगल आई, टू का डबल आई, थ्री का ट्रिपल आई, फोर का आई वी, और फाइव का वी वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, और यहाँ पे एक्स आई एक्स, और यहाँ पे आप जैसा कि आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हमें नोट करना चाहिए, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, वो ये पॉइंट है, ठीक। अब ये जो हमारी 41 वाली लाइन आएगी, कौन सी, 41 to 50, बेटा 41 यानी कि यहां से उठेगा, तो यहां से जब उठेगा तो ये लाइन कैसे जाएगी, इसको भी ध्यान देते हैं, 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, 40 का क्या होता है, एक्सएल है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एक्सएल, ठीक है, सब तक लिखते जाइए, मन हो आपका, ठीक है, आप जैसे मन हो वैसे लिख सकते हैं, ओके। 50 का आपने पढ़ा था, लर्न किया था, 50 का एल होता है, बस बात खत्म, 50 का क्या है, एल है, वेरी गुड। अब यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ रहे थे, वन का सिंगल आई, टू का डबल आई, थ्री का ट्रिपल आई, फोर का आई वी, फाइव का वी वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, और आई एक्स, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था वैसे आप नोट कर लीजिए, आपको इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब ये हम कहां तक जाएंगे, ये एल को हम लेके अब जाएंगे 51 वाली जो लाइन है हमारी, 51 to 60, तो वहां पे 50 के प्लेस पे जैसे 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ओके 60, तो 50 के प्लेस पे हम एल नोट करते जाएंगे, क्या एल, ओके और ये 60 है ना, तो एल प्लस 10 यानी एक्स, ये आपका 60 हो गया। यहाँ पे वन आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी 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 आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई और आई एक्स, 51 वाली लाइन आपकी क्लियर होगी। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब मेन इम्पोर्टेंट हमारा यही सब होता है। अब इसी तरीके 61 वाली भी लाइन ऐसे लिख देंगे, ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, मन हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, इतना ले लीजिए, फिर उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड बेटा। लोग आपने अभी 60 तक देख लिया, अब 60 के बाद की लाइन को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, हमारी मेन इम्पोर्टेंट इतना ही है बेटा, यानी इतना आपको आ गया, समझिए बहुत कुछ आ गया। अब इसी तरीके 60 से 70 तक जो लाइन हम लिखेंगे, 60 वाली लाइन आपको पता ही है क्या होता है,
एल एक्स 60 हो गया, 1 भी ये आ गए, 70 में क्या होगी एल डबल एक्स, क्या कर देंगे डबल एक्स कर देंगे। ठीक, ये लाइन वही सेम वैसे ही हो जाएगी और ये भी सेम वैसे ही हो जाएगी। इतना सभी लोग को समझ में। इसी तरीके अब जो 71 से जो लाइन स्टार्ट होगी कहां तक का 80 तक का, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रहा है, 71 से जैसे कि हम नोट करते थे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या नोट करते थे, यहाँ पे हम क्या एक्स एल डबल एक्स आई, ठीक है, तो यहाँ 80 में एल ट्रिपल एक्स क्या आ जाएगा, ट्रिपल एक्स 80 हो गया। अब 81 वाली लाइन कौन सी, 81 टू कितना 90, कितना 90, यहाँ पे गेम है, यहाँ पर गेम है। देखिए 80 का क्या होता है, एल ट्रिपल एक्स 80 हो गया, 1 है 81 है, तो आई ऐड कर यहाँ पे, ये किसके नियरेस्ट है 10 टाइम्स हमेशा देखिए यहाँ पे, ठीक, कितने किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट, 100 का क्या होता है, 100 का होता है सी, क्या होता है सी यानी कैट, यानी कि 100 का सी है ना, यहाँ सी लिख दीजिए, कितना माइनस करे 10, लेफ्ट साइड आप एक्स को लिख दीजिए, ये आपका हो गया 90 वाली लाइन, ये लाइन आप ऐसे ही नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके आप यहां तक भी ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, इतना सभी को समझ में। अब जो 91 वाली लाइन आएगी, 91 टू 10, जो ये हमारी 91 वाली लाइन आएगी, ये कितना 90 का क्या है, एक्स सी है ना, एक्स सी, सी यानी कि कैट, ठीक है। अब ये 100 में क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पे 99, जैसा कि आप लोगों ने कहा सर 99 का क्या होगा, बेटा 99 का वही होगा क्या सी एक्स 9 का क्या होता है, इतना सभी को समझ। ये वाली लाइन आपकी वैसे ही आएगी और 1 2 जैसा आप लिखते हैं वैसा ही लिख के चले आइएगा बस, इतना सभी को आ गया। इसी तरीके अब आप 100 तक तो आपको आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा, इतना सभी को आया कि नहीं आया, इतना आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओके बेटा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, ठीक बेटा लोग, आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरीके आप जो 101 की लाइन आएगी, 110 तक, ये सब आप वैसे ही करना है, ठीक है। 100 क्या क्या सी आई, और यहाँ पे क्या कर देंगे सी एक्स 110 हो जाए, ठीक है। ऐसा ही हम काम करते रहे कहां तक, 400 तक, कहां तक 400, लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान दे दीजिए। अब जैसे आप 141 वाली लाइन आएगी और यहाँ 150 आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का क्या होता है एक्सएल होता है, 100 का सी है ये ऑलरेडी, ओके, और 1 का ये, अब यहाँ पे 150 का सी हो गया, 100 का 50 का एल, एल सी हो गया, इतना सभी को समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 191 वाली लाइन आएगी और यहाँ 200 वाली लाइन आएगी, तो यहाँ पे 191 का क्या होगा, 100 का सी, 91 का क्या होगा एक्स सी, एक्स सी 1, एक्स सी हो गया 90 और ये 1, और 200 का डबल सी, 100 ही हो गया सी, ये 100। इसी तरीके अब आप यहाँ पे 101 वाली भी लाइन लिख लेंगे, ठीक। अब इसी तरीके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम मेन इंपॉर्टेंट है 400 वाली लाइन, ठीक है, कौन सी 400 वाली, 400 को हम क्या लिखेंगे, 400 को देखिए 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 को हम लिखते हैं डी, क्या लिखते हैं डी, और ये कितना कम है नियरेस्ट 500 के ना, तो 100 कम है ना, तो सी किधर लिखेंगे, किधर सी डी, ठीक है, समझ में, कैट ऑफ डी एड हो गया यहाँ पे, सी से कैट डी से डी, ओके, ये नियरेस्ट किसके है, ठीक। और ये 399 जैसे है आपका, इसको क्या लिखे 300 का ट्रिपल सी, 99 का, 90 का क्या होता है सी और एक्स, यानी कि एक्स सी, एक्स सी और 9 का हो, ये आपका 399 हो गया, ये 400 हो गया, ठीक। इसी देखिए 499 का क्या, 400 का सी डी हो गया, ठीक, 99 का एक्स सी हो गया, 99 का ये आपका हो गया, इतना समझ में। अब इसी देखिए 500 का क्या होता है बेटा, 500 का डी होता है, 501 का क्या होगा डी आई होता है, यानी कि मोर देन 500 है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लो है 400 से, आप इससे 400 से लो है,
ठीक है, डाउन है तो आप ऐसे नोट करेंगे, अगर 400 से अबव है 500 तक का 499 का तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 500 अबव है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक आता है 1000 का होता है बेटा एम, क्या होता है एम, एम का मतलब माइल, जैसा कि आपको अभी हमने चार्ट में पढ़ाया था। ओके, इतना समझ में आ गया। अब जैसे 99 है, ठीक है 999, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले यहाँ पे 900 को देख लो, कितने को 900 को हम क्या लिखेंगे एम, एम कितना कम है 100 कम है ना, तो क्या कर देंगे सी, इतना समझ में आया, यानी कि सीएम कैट और माइल ऐड हो गया, ये 900 हो गया, नियरेस्ट देखना है आपको। ठीक, इसी जगह 99 का देख लो, 900 का कितना हो गया सीएम हो गया, 99 का क्या होगा एक्ससी हो गया, 9 का एक्सआई, इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया, सी एम एक्स सी आई एक्स, ये 999 हो गया, इतना आया सभी को समझ में। देखिए 900 का क्या हो गया सीएम हो गया, 90 का क्या हो गया एक्ससी हो गया, और 9 का क्या होता है आईएक्स होता है। ठीक है, इतना सभी को आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी तरीके आपके रोमन नंबर ठीक है खत्म हो गए हैं। ठीक है, मेनली जितना यूज होता है आपके जो सिलेबस में है, ठीक है इतना है। ठीक है, इतना आपने ध्यान दे दिया, अगर इतना आपको आ गया समझिए आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोमन नंबर को आप हमेशा ये मान के चलिए इंटरनेशनल वैल्यू है। ओके, सभी को आ गया, ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ओके, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, सभी को समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ, आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप मेरे चैनल को, बेल वाले आइकन का ऑल वाला ऑप्शन अवश्य क्लिक करिए।